जालौर के अंदर जगह कम बढ़ रहा है, राजस्थान की बात मत करो, पूरे भारत से युवा जो भी आने लायक होगा, आप जाति धर्म का छोड़ दो, हर मानव यहाँ आएगा। क्या बात कर रहे हो, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन का मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप ऐसी बेवकूफ हेतु बातें ना करें, आपके कंट्रोल में अगर कोई ऐसी सेना नहीं है। आप सबको हार्दिक स्वागत। हमें आपने एक निवेदन है, आप जो पधारिया, आप सब अपनी अपनी बात बताई। हम झूठ फैला दिया गया। उस झूठ में ये बताया गया कि एक सेल सिंह नाम के शिक्षक ने मटकी से पानी पीने की वजह से एक दलित लड़के को थप्पड़ मारी और उस की डेथ हो गई, जबकि ये सरासर झूठ है। उस स्कूल में पूरे गांव के बयान ले लिए गए, उसके परिवार के मेघवालों के बयान ले लिए गए, उसमें कहीं भी मटकी का कोई जिक्र नहीं है। ना तो मटकी उस विद्यालय में थी, ना मटकी सेल सिंह के कमरे पे थी, ना मटकी का कोई बात थी। बात इतनी सी थी कि दो लड़के झगड़ रहे थे, झगड़ रहे हैं तो कोई भी व्यवस्थापक होता है उसी के पास आते हैं लोग। उस व्यवस्थापक के पास आए दोनों लड़कों को, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया, उसके अनुसार एक एक थप्पड़ मारी जो शिक्षक अमूमन करते हैं। उसकी वजह से उन्होंने कहा, वैसे वो लड़का 6 महीने से बीमार था, उस थप्पड़ के बाद अहमदाबाद एडमिट कराया गया और उसके 20 दिन बाद में उसकी डेथ होती है। उस डेथ को लेकर तथा कथित समाज के संगठन, जिसमें हमारे जालौर का कोई लेना देना नहीं, जालौर के बाहर के यूपी के बिहार के एमपी के कोई भी संगठन में जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने इसका बवंडर बनाया